Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. So guys, we are doing the series of computer graphics, and in the last lecture we have studied about the difference between the raster scan system and the random scan system. So our today's topic is color CRT monitor. So color CRT monitor kya hai? Hum display devices padh rahe the basically. So usme humne sabse first display device padha tha CRT, aur usme humne ye padha tha ki jitne bhi display devices hain usme almost sabhi mein CRT की टेक्नोलॉजीज का यूज होता है। तो सेकंड जो हमारा डिस्प्ले डिवाइस आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कलर CRT मॉनिटर। ठीक है, तो कलर CRT मॉनिटर में क्या होता है, वो कैसे कलर इमेजेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कौन सी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होती है, टेक्निक्स कौन सी होती है इन्वॉल्व, वो हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, CRT मॉनिटर डिस्प्लेस कलर पिक्चर। तो CRT मॉनिटर जो होता है, कलर CRT मॉनिटर, वो कलर पिक्चर को डिस्प्लेस करता है बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस यूज करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स आती है। ठीक है, जो फॉस्फोरस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लाइट को एमिट करते हैं। ठीक है, अब हम जो हमारी लाइट एमिट हो रही है बाय कंबाइनिंग द एमिटेड लाइट विद डिफरेंट फॉस्फोरस, ठीक है, उस लाइट को अगर हम डिफरेंट फॉस्फोरस के साथ कंबाइन करेंगे तो बहुत सारे रेंजेस ऑफ कलर प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, कोई फॉस्फोरस कौन सा कलर देगा, कोई दूसरा, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट रेंजेस ऑफ कलर प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, सो टू बेसिक टेक्निक्स फॉर प्रोड्यूसिंग कलर डिस्प्ले विद द CRT आर, ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास बीम पेनिट्रेशन मेथड और सेकंड है हमारे पास शैडो मास्क मेथड। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में जब डिफरेंस पढ़े थे तो उसमें हमने ये देखा था कि रास्टर स्कैन में हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे, बीम पेनिट्रेशन का, बट जो सॉरी रास्टर में हम शैडो मास्क का कर रहे थे और जो रैंडम स्कैन है वो बीम पेनिट्रेशन का यूज करता है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि हम आने वाले लेक्चर्स में इसको पढ़ेंगे, तो आज हम इसी को ही डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। तो जो फर्स्ट है बीम पेनिट्रेशन मेथड, इसमें क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड विद रैंडम स्कैन मॉनिटर्स। ठीक है, ये जो है रैंडम स्कैन मॉनिटर्स के साथ यूज होता है बीम पेनिट्रेशन मैथड। टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोरस, दो लेयर्स होती है फॉस्फोरस की, यूजली रेड एंड ग्रीन, आर कोटेड ऑन टू द साइड ऑफ CRT स्क्रीन। तो वो रेड और ग्रीन जो लेयर होती है उनको कोट किया कर दिया जाता है CRT की इनर स्क्रीन में। ठीक है, आउटर लेयर कौन सी होती है, रेड, और इनर लेयर कौन सी होती है, ग्रीन। द डिस्प्लेड कलर डिपेंड्स ऑन हाउ फार द इलेक्ट्रॉन बीम पेनिट्रेट्स इनटू फॉस्फोरस लेयर्स। तो वो कह रहे हैं कि जो कलर डिस्प्ले होता है वो कितने उस पर डिपेंड करता है कि कितनी दूर से इलेक्ट्रॉन बीम पेनिट्रेट कर रहे हैं फॉस्फोरस लेयर के ऊपर। ठीक है, तो हमने ये देखा कि दिस मेथड इज यूज विद रैंडम स्कैन मॉनिटर्स और टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोरस, यूजली कौन कौन सी हम यूज कर रहे हैं, रेड और ग्रीन को कोट कर रहे हैं। जो रेड है वो इनर लेयर, आउटर जो होगी वो रेड होगी सॉरी, और जो इनर होगी वो कौन सी होगी, ग्रीन होगी, और ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, बीम प्रोड्यूसेस इफेक्ट इन द फॉलोइंग वेज, बीम जो है इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है किस वेज में प्रोड्यूस कर रही है, और जो उसमें है लो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स द स्क्रीन, जो लो पोटेंशियल की इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्क्रीन को क्या कर रही है, जाके स्ट्राइक कर रही है, इट एक्साइट्स ओनली द रेड फॉस्फोरस। ठीक है, और वो क्या करेगी, एक्साइट कर देगी रेड फॉस्फोरस को। ठीक है, और रेड की रेड कलर प्रोड्यूस करेगी और प्रोड्यूसेस अ रेड ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अभी वो फास्ट वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट्स होता है रेड लेयर, फिर से जो वेरी फास्ट आ रही है अभी, ठीक है, वो फिर जाके पेनिट्रेट करेगी किस पे, रेड लेयर पे। ठीक है, और एक्साइट कर देगी ग्रीन लेयर को, उसकी मतलब फास्ट आ रही है ना, तो उसकी वजह से जो इनर ग्रीन लेयर है वो एक्साइटेड हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, इंक्रीजिंग द ग्रीन कंपोनेंट ऑफ द लाइट आउटपुट। तो फिर जो इसकी वजह से हमारा जो है ग्रीन कंपोनेंट ऑफ लाइट जो है प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, एट इंटरमीडिएट बीम स्पीड्स, जो बीम स्पीड इंटरमीडिएट रेंज में आ रही है, ना ज्यादा लो है ना हाई है, ठीक है, उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन लाइट्स, उसमें दोनों होएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेड भी होगा और ग्रीन लाइट भी एमिट होगा, एंड शो टू और मोर कलर्स, और दो और ज्यादा कलर भी प्रोड्यूस करेगी, एंड शो टू मोर कलर्स ऑरेंज एंड येलो। ठीक है, मतलब रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन तो प्रोड्यूस करेगी करेगी, और साथ में ऑरेंज और येलो भी प्रोड्यूस करेगी। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेंस द स्क्रीन कलर एट एनी पॉइंट इज कंट्रोल्ड बाय द बीम आइसोलेशन वोल्टेज। ठीक है,
तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हो रहा है ना, कि जैसे जैसे स्पीड आ रही है उनकी, उसी वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। हेंस द स्क्रीन कलर एट एनी पॉइंट, जो स्क्रीन का कलर है किसी भी पॉइंट पर, किसकी हेल्प से कंट्रोल किया जा रहा है, बीम एक्सेलरेशन वोल्टेज की हेल्प से। अब है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ बीम पेनिट्रेशन मैथड। तो बीम पेनिट्रेशन मैथड के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? एक तो ये एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है, बट तो रैंडम एंड इनएक्सपेंसिव वे टू प्रोड्यूस कलर इन रैंडम स्कैन मोनिटर्स। जब रैंडम स्कैन मोनिटर्स में हमने कलर प्रोड्यूस करना होता है तो हम इसी का यूज़ करते हैं, बिकॉज ये एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है, और इसका रिजोल्यूशन क्या है, बहुत अच्छा है, तो बेटर रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है, अनलिमिटेड रेंज ऑफ कलर्स कैन बी जनरेटेड। लेकिन इस मैथड से जो हम बीम पेनिट्रेशन मैथड यूज कर रही है, इसमें सिर्फ लिमिटेड रेंज ऑफ कलर ही हम जनरेट कर सकते हैं। रेड है, ग्रीन है, उसका कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज और येलो है, और तो भी हम कर ही नहीं रहे, तो लिमिटेड ही है ना ये, ठीक है। और सेकंड क्या है, वो क्या है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हमने अब बीम पेनिट्रेशन को देख लिया, अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हम देखने वाले हैं शेडो मास्क मेथड, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम शेडो मास्क। तो शेडो मास्क में क्या होता है, दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड इन रैंडम रास्टर स्कैन सिस्टम्स, ठीक है। तो ये मेथड किस में यूज हो रहा है, रास्टर स्कैन सिस्टम में यूज हो रहा है। इट प्रोवाइड अ मच वाइडर रेंज ऑफ कलर्स, इसमें हम बहुत सारी रेंज ऑफ कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन द बीम पेनिट्रेशन मेथड, बीम पेनिट्रेशन के कंपैरिजन में, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया। शेडो मास्क CRT हैज 3 फास्फोरस कलर डॉट्स, तो इसमें 3 फास्फोरस कलर डॉट्स होती हैं एट ईच पिक्सल पोजीशन, हर एक पिक्सल पोजीशन पे। वन इज ऑफ रेड कलर, एक रेड कलर की, सेकंड ब्लू कलर की, थर्ड जो होती है वो कौन सी होती है, ग्रीन कलर की, ठीक है। सो शेडो मास्क CRT हैज 3 फास्फोरस कलर डॉट्स एट ईच पिक्सल पॉइंट, वन इज ऑफ रेड कलर, सेकंड इज ऑफ ब्लू कलर एंड थर्ड इज ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है, इतना क्लियर। This type of CRT has 3 electron guns, और इसमें जो है हमारे पास 3 electron guns भी होती है, one for each color dot। तो तीन हमारे पास क्या थे, colors थे, ठीक है, 3 phosphorus के colors से, उसके लिए 3 electron color guns हमारे पास है, ठीक है। The 3 electron beams are focused as a group onto the shadow mask। तो तीनों को as a ग्रुप बना के फोकस किया जाता है किस पे, शेडो मास्क पे, जिसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ होल्स होते हैं, ठीक है, विंडो। उसकी हेल्प से क्या होता है, जब हम व्हेन द थ्री बीम पास थ्रू ए होल, वो बीम होल से पास करती है इन द शेडो मास्क, दे एक्टिवेटेड डॉट ट्रायंगल, वो डॉट ट्रायंगल को एक्टिवेट करती है, व्हिच अपीयर्स एज अ स्मॉल कलर स्पॉट ऑन द स्क्रीन, जो स्मॉल कलर स्पॉट की तरह अपीयर हो रहा है किसमें, स्क्रीन पे, ठीक है, ये ट्रायंगल को एसोसिएट करती है। कलर वेरिएशन इन अ शैडो मास्क आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स, ठीक है। जो कलर वेरिएशन है वो कैसे ऑब्टेन हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स है किसकी, तीनों इलेक्ट्रॉन बीम की, ठीक है, ये तीन इलेक्ट्रॉन बीम है ना, इन तीनों की डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स की वजह से हमारे पास वाइड रेंज ऑफ कलर प्रोड्यूस हो रही है। सम लो कॉस्ट शैडो मास्क कैन प्रोड्यूस बिलियन मिलियंस ऑफ कलर्स, ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम मिलियन ऑफ कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो बीम पेनिट्रेशन में था उसमें हम लिमिटेड कलर ही प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन गन्स, ये होल्स हैं जिसके ऊपर जो है हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स को फोल्ड करवा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये क्या है हमारे पास, तीनों इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है, ये इनके बीच में होल है, यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बन रहा है और इसके ऊपर डॉट्स फॉर्म हो रही है, यहाँ पे हमारे को कलर विजिबल होंगे, स्क्रीन विद RGB फॉस्फोरस डॉट्स, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरस डॉट्स हैं, यहाँ से पास करके हमारे को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या है, सेवरल मिलियन डिफरेंट कलर्स कैन बी जनरेटेड। तो हमें पता है हम डिफरेंट मिलियन टाइप ऑफ कलर्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रियलिस्टिक इमेज कैन बी ड्रॉन, सो रियलिस्टिक इमेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं हम। डिसएडवांटेज क्या है, ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और रिलेटिवली परफॉर्मेंस थोड़ी सी पुअर होती है एज कंपेयर टू बीम पेनिट्रेशन।
मतलब उससे अगर हम कंपेयर करें तो कलर्स और इसके ज़्यादा है, इमेज रियलिस्टिक है, बट अगर एक्सपेंसिवनेस और परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें ये लो है बीम पेनिट्रेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द बीम पेनिट्रेशन एंड शेडो मास्क मार्कर। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस देन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल सी यू। थैंक यू ऑल, सब्सक्राइब करें चैनल प्लीज गाइस।